नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आपको जो वर्ग निकालने का जो ट्रिक बताने वाला हूँ ना, वो एकदम हटके होने वाला है। क्योंकि आज आपको वर्ग निकालने का एक ऐसा तरीका मिलने वाला है जिसमें आपको कुछ संख्याओं का वर्ग पता होना चाहिए। और याद रखिए, दुनिया में हर व्यक्ति जो पढ़ा है और जिसको थोड़ा बहुत गणित आता है, निश्चित रूप से उनको दो जो ट्रिक हैं वर्ग निकालने का वो पता होना ही चाहिए और प्रायः होता भी है। और नहीं है तो आज की वीडियो को देख लीजिए, वो दो ट्रिक कौन सा है जिसका वर्ग हर व्यक्ति को पता होना चाहिए कि वर्ग हम फटाक से निकाल पाएंगे। और उन्हीं दोनों ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी संख्या का, मैंने केवल यहाँ पर दो संख्या लिखा है, आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। अब सोच कर देखिए, वो दो संख्या का वर्ग यदि आपको पता है तो बाकी संख्याओं का वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, वो भी जोड़ और घटाओ की संक्रिया से। ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको जोड़ और घटाओ की संक्रिया लगाकर वर्ग निकालना सिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इसलिए मैंने लिख रखा है स्क्वायर ट्रिक, एकदम नया वाला, और किसी भी प्रकार के संख्या का वर्ग आप निकाल सकते हैं। तो उसके लिए वो दो संख्या कौन कौन सा है जिसका वर्ग आपको पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए। कोई भी ऐसी संख्या, ध्यान दीजिए, मैं आपको ऐसी संख्या के बारे में बता रहा हूं, कोई भी ऐसी संख्या जिसके इकाई में शून्य होता है, इसका वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। और एक दूसरा होता है कोई भी संख्या जिसके इकाई में पांच होता है, इन दोनों संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही आसान होता है। चाहे वो संख्या कोई भी हो भाई, ऐसा नहीं कि 80 हो और 85 हो, यहां पर आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। 90 का वर्ग निकालना हो या फिर 95 का वर्ग निकालना हो, कोई भी संख्या भाई, चाहे आप 45 का वर्ग निकालना चाहते हैं या फिर 40 का वर्ग निकालना चाहते हैं, और इन्हीं दोनों वर्गों के बीच जितनी भी संख्या आएगा ना, उनका वर्ग आप चुटकियों में निकाल पाएंगे। कैसे, देखिए हमको ये तो पता है, चलो मैं पहले ये बता देता हूं कि हम कोई भी संख्या जिसके इकाई में शून्य होता है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। निश्चित रूप से आपको 8 का वर्ग पता होगा, तो 8 8 64 करेंगे, यहां पर आप क्या करेंगे, 8 8 64 और दो जीरो लगा देंगे, इसका वर्ग हो गया। अगर आपको 90 का वर्ग निकालना हो तो आप क्या करेंगे, 9 9 81 करेंगे, क्योंकि वर्ग निकाल रहे हैं इसलिए यहां पर आपको दो जीरो लगाना होगा। उसी प्रकार यदि आपको 70 का निकालना हो, कोई भी संख्या हो भाई जिसके इकाई में शून्य हो, तो आप क्या करते हैं, शून्य को छोड़कर बाकी संख्या जो बच गया उसका वर्ग निकालते हैं, तो 7 7 49 करेंगे, डबल जीरो लगा देंगे, आपका वर्ग हो गया। अब इनके बीच का कौन सा है, बीच की संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या जिसके इकाई में पांच होता है, और इन्हीं दोनों के बीच का ट्रिक मैं बताने वाला हूं, तो इन दोनों को पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दोनों ट्रिक हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। अब यहां पर हमें कुछ ऐसे संख्या का वर्ग निकालना है जिसके इकाई में क्या है, यहां पर पांच है, तो इस प्रकार की संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे। अब देखिए, ये दोनों ट्रिक यदि आपको पता है तो आप बाकी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे कैसे। देखिए, अगर इकाई में पांच है तो इसका वर्ग कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, आपको 5 5 25 लिख लेना है, और बाकी जो संख्या बच गया है जो दहाई में, उसको एक अधिक संख्या से क्या कर देना है, गुना कर देना है, मतलब 8 है तो 9 से गुना करेंगे, तो 9 8 72, और ये इसका वर्ग हो गया। उसी प्रकार इसको कैसे करेंगे, 25 तो लिखना ही है, यहां पर क्या करेंगे, 6 है तो इसको आप किससे गुना करेंगे, 7 से करेंगे, 7 6 42 लिख देंगे, आपका उत्तर हो गया। यहां पर क्या करेंगे, 3 को एक अधिक संख्या मतलब 4 से गुना करेंगे, और 25 तो लिखेंगे ही, 5 5 25 और 4 3 12, तो ये तो हो गया, हम दो संख्याओं का वर्ग निकाल सकते हैं। कोई भी दो संख्या मतलब कोई भी दो का मतलब जिसका इकाई में पांच हो और इकाई में शून्य हो। अब इन्हीं दोनों के बीच सारी संख्याएं हैं, आप सोच सकते हैं, आपको यदि 70 और 80 के बीच की बात किया जाए तो इनमें आपने बीच का जो संख्या है, ध्यान दीजिएगा, बीच की संख्या क्या है, इनके बीच जो संख्या है वो क्या है, 75 है, तो भाई आपको 75 का वर्ग पता है, 70 का वर्ग पता है, 80 का वर्ग पता है, तो इनके बीच जो संख्या बच गया है उनका वर्ग निकालना है, जो कि बहुत ही सरल है। अब सरल कैसे है, तो चलिए आज के ट्रिक को प्रारंभ करते हैं। अब देखिए, मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, मुझे 70 का वर्ग पता है, ध्यान दीजिएगा, मुझे 70 का वर्ग पता है, तो इसके पहले कौन सी संख्या आती है, इसके पहले आता है 69, ठीक है। अब 69 का वर्ग मुझे निकालना है, या इसके बाद कौन सा आता है, 71 आता है, 71 का वर्ग मुझे निकालना है, तो इसके लिए मैंने पहले से बता रखा है, ये उस ट्रिक पर काम कर रहा है, जब आपको किसी संख्या का वर्ग पता है, आपको कोई भी ऐसी संख्या जिसका वर्ग पता है उसके पीछे और उसके आगे दोनों का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, जोड़ और घटाओ की संख्या लगाकर। देखिए, इसका तो वर्ग पता है, इसका कितना होता है, 7 7, यहां पर क्या करेंगे हम, 7 7 49 करेंगे, है ना, यहां पर 7 7 49 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा डबल जीरो। अब ध्यान दीजिए, 71 का वर्ग आपको निकालना है, ध्यान दीजिए, आपको 71 का वर्ग निकालना है,
तो आपको क्या करना है, मैं जानता हूं कि 71 जो है 70 से केवल एक अधिक है, आपको कुछ भी नहीं करना है, ध्यान ये देना है ये जो संख्या दिख रहा है उसको आपको डबल करना है। तो कितना हो जाएगा, 7 × 14 मतलब 140 हो जाएगा, क्योंकि ये इससे एक अधिक है, 71 जो है एक अधिक है, तो यहां पर आप एक अधिक कर देंगे मतलब कितना हो जाएगा 141, और 141 को आप यहां पर जोड़ देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है और इनको जोड़ना होगा, एक हो जाएगा, चार हो जाएगा, नौ और एक दस हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा पांच, और ये इसका क्या हो गया है, वर्ग हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर संख्या एक अधिक है तो आपको क्या करना है, इस प्रकार डबल करना है और एक जोड़ देना है, और उन्हीं संख्या को यहां पर करना है, वो सब चीज आप मौखिक करेंगे, क्योंकि मैं सिखा रहा हूं इसलिए यहां पर लिखित में कर रहा हूं। अगर हमें पिछली संख्या का करना है तो क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो है एक कम है ना, 70 से एक कम है, और इसका दुगुना करेंगे, ध्यान दीजिए 70 का दुगुना तो 140 से होगा, इसमें आपको माइनस एक कम कर देना है, तो हमको तो पता है 70 का वर्ग कितना होता है, इतना होता है, और इसका हम एक कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 139, ठीक है, इतना हो जाएगा। बस अगर आप आगे वाला वर्ग निकाल रहे हैं तो प्लस करेंगे, पीछे वाला निकाल रहे हैं तो एक माइनस करके उस पूरी संख्या को माइनस कर देंगे ऐसे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, इसको जब हम करेंगे तो यहां पर देखिए हासिल आएगा तो 10 हो जाएगा, 10 में आप 9 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 1 आएगा, और यहां पर कितना बचा है, 9 बचा है, आप घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहां पर 6 आएगा, यहां पर 1 चला गया था, अब 8 बचा है, 8 बचा है, 8 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 7 आएगा, यहां पर इतना आएगा। और ये आप इसका जांच भी कर सकते हैं, निश्चित रूप से बहुत ही आसानी से इसका वर्ग निकाल सकते हैं। अब देखिए 69 का वर्ग निकालेंगे तो इतना आएगा कि नहीं आएगा, तो भाई 9 में 81 यहां पर तो आएगा ही, तय तो हो ही रहा है। लेकिन इसका दूसरा तरीका आप लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या का वर्ग निकालते हैं तो उस ट्रिक से भी आप इसका जांच कर सकते हैं, चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी इसका मिलान कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी और अन्य संख्या की मैं बात करता हूं, केवल यहीं पर बात नहीं करते हैं, हमें मान लीजिए 40 का वर्ग पता है तो कितना होता है 4 × 16 मतलब इतना होता है। अब हमें निकालना होगा 41 का, तो मैंने क्या बताया है, ये कितना देखो, पहले आपको क्या करना है, इसका डबल कर देना है, 40 × 2 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, क्योंकि ये एक अधिक है तो इसमें एक अधिक करके यहां पर आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ दीजिए, अगर 80 है तो आपको क्या करना है 81 जोड़ना है, बस 81 जोड़ना है, तो एक आ जाएगा यहां पर, 8 आएगा यहां पर, 6 आएगा यहां पर। अरे ये तो बड़ा सरल लग रहा है, इतना आसानी से वर्ग निकल रहा है। अगर इसका आगे का पिछले का निकालते, मतलब मुझे 39 का निकालना होता तो 39 का वर्ग कैसे निकालेंगे, हमने बताया इससे एक कम कर देंगे, मतलब हमको तो पता है कि 40 का वर्ग इतना होता है। अब इसका एक कम का निकालना है, यहां पर देखिए हमको एक कम का निकालना है, तो एक कम करेंगे तो इसमें क्या करेंगे, इसमें एक कम करेंगे, कहां इसमें एक कम करेंगे, इसका डबल में एक कम करेंगे तो 79 कर देंगे, है ना। अब 79 को घटा देंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर तो निश्चित रूप से एक आएगा, यहां पर 9 बचा है, 9 में आप 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा, हासिल एक चला गया था तो यहां पर कितना बचा है 5, और ये दोस्तों ये निश्चित रूप से वर्ग हो गया है। लेकिन मैंने आपको एक और चीज बताया था भाई, हमें बीच की संख्या, अगर हमें चलो 76 का वर्ग निकालने के लिए कहा जाए और 74 का निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है, इसका वर्ग हमें निकालने के लिए कहा जाता है और इसका निकालने के लिए कहा जाता है, तो भाई इसकी बीच की संख्या क्या है, 75 है, जिसका वर्ग हमें पता है और मैंने बताया भी है, इसका वर्ग निकालना तो बड़ा आसान है, 5 × 5 क्या हो जाएगा 25, और 7 को एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 56, तो ये किसका वर्ग है 75 का। अब ध्यान दीजिए आपको दो संख्या का वर्ग निकालना है, एक पहले वाला और एक बाद वाला, तो ये जो संख्या है उसके बाद वाला है मतलब ये प्लस एक अधिक है, वर्ग निकालना है, तो ये क्या है माइनस एक अधिक, एक कम है, तो जिसका अधिक है उसमें एक अधिक जोड़ेंगे दुगुना करके, तो भाई 75 का दुगुना, हाँ दुगुना भी करेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इस प्रकार के संख्या का आपको डबल करना हो तो बड़ा आसान होता है, आप 8 × 16 करते हैं ना उसको एक बढ़ा दीजिए, 8 × 16 को 17 कर दीजिए, 8 × 16 होता है तो आप 17 कर दीजिए, एक जीरो लगा दीजिए, यहां पर क्या करेंगे 7 × 14 होता है ना तो एक बढ़ा दीजिए, 7 × 14 का कितना कर देंगे 15 करेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे, हो गया काम। अब जिसका वर्ग निकालना है, जैसे मुझे 66 का 76 का निकालना है और मुझे किसका वर्ग पता है 75 का वर्ग पता है, ठीक है, तो 75 के वर्ग के आधार पर यहां पर देखिए इसी संख्या में हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें ऐसे डिलीट करना था ये है। अब हमें क्या करना है, जैसे मुझे क्या करना है
76 का वर्ग निकालना है और 75 का वर्ग ये है, तो आपको क्या करना है, अगर आप 76 का निकाल रहे हैं तो एक इसमें अधिक जोड़ देंगे तो 151 हो जाएगा, तो 151 इसको आपको इसमें जोड़ देना है, तो 5 रख कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना, और 5 और तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 6 रख कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी 7 होगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और ये इसका वर्ग हो गया। बड़ा आसान है ना, निश्चित रूप से आपको बहुत ही आसानी से समझ आ रहा होगा। निश्चित रूप से अगर मुझे 74 का वर्ग निकालना होता, देखिए 74 का वर्ग निकालना होता तो मुझे सबसे पहले तो 75 का वर्ग निकाल लेना है, जो कि बहुत आसान है, कितना होता है 5 पंचे 25 और 7 अट्ठे 56, ठीक है, इसका निकालना है। तो ये 75 से कितना कम है, एक कम है, तो हमको क्या करना है, इसका डबल करके एक माइनस करना है, तो 75 दूनी कितना होता है 150 होता है, एक माइनस करेंगे, उसी को यहां पर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 149 हो जाएगा, घटा देंगे खत्म कहानी, यहां पर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 15 में 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर एक चला गया है तो कितना बच गया है 1 बच गया है, हासिल यहाँ से 11 होगा, 11 में आप क्या घटाएंगे 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 आएगा, यहाँ पर एक चला गया है 5 बच गया है, 5 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 4 आएगा, और यहाँ पर तो 5 ही आएगा। तो निश्चित रूप से आपको समझ आ गया होगा कि हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। इसके लिए दो ही चीज़ आपको आवश्यक है, कोई भी संख्या जिसके इकाई में क्या होता है शून्य होता है उसका वर्ग आपको निकालने आना चाहिए। जैसे आपको 50 का वर्ग निकालना है तो निश्चित रूप से आपको पता है 5 पंचे 25 और 2 जीरो लगा देंगे। उसी प्रकार यदि आपको 55 का वर्ग निकालना है तो आपको पता है कि 5 पंचे 25 लिखना है, 5 को एक अधिक संख्या से गुणा करना है, मतलब 6 पंचे 30 और ये हो गया। अब इसके आगे का और पीछे का वर्ग निकालना है तो वो ट्रिक मैंने बहुत ही सरल तरीके से बताया है। निश्चित रूप से आपको एक और उदाहरण के माध्यम से समझा देता हूं ताकि आपको कभी भी कोई भी परेशानी नहीं होगा। मान ले जाए मुझे 50 की नहीं बात करते, बहुत सरल होता है, हम चलो 65 की बात करते हैं। 65 का वर्ग आपको निकालना है तो आपको क्या करना होगा, 5 पंचे 25 लिख लिए और 6 सत्ते 42 कर दिए, यहाँ पर तो हो गया। अब हमें क्या करना है, 64 का निकालना है, तो मुझे पता है 64 का निकालना है तो इसका डबल करना है, तो कितना होगा 6 दुनी 12, मतलब ये क्या हो जाएगा 130 हो जाएगा, एक बढ़ा देना है ना अगर यहाँ पर ऐसा हो तो। अब आपको क्या करना है, अगर आपको किसका वर्ग निकालना है, चलो मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए मुझे 66 का निकालना है तो प्लस 1 करूंगा, क्योंकि ये इनसे क्या है एक अधिक है, तो एक अधिक कर देंगे, मतलब 131 को इसमें जोड़ देंगे, 131 को इसमें जोड़ देंगे 5 और 1 6 हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 4, और ये इसका वर्ग हो गया। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके पहले की निकालता, मतलब 64 का मैं वर्ग निकालना चाहता तो मैं क्या करता, यहाँ पर जो संख्या आपको पहले से मिला हुआ है जिसका वर्ग आपको पता है उसमें इससे एक कम, मतलब एक कम करना है, तो कितना हो जाएगा 130 है ना, तो ये हो जाएगा 129। अब इसको माइनस कर देंगे यहाँ पर कितना जाएगा 15 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 आएगा, निश्चित रूप से एक चला गया 11 बचा, यहाँ पर शून्य ही आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 ही आएगा, और ये आपका वर्ग हो गया है। निश्चित रूप से आज आपने एक नया तरीका सीखा है, और अगर ये तरीका आपको पसंद आया ना तो निश्चित रूप से वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे ना तो नीचे में हमारे चैनल का लोगो जो दिखाई दे रहा है उसको 2 बार क्लिक करना है, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। बगल में गणित के ऐसे ही 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, किसी भी वीडियो को देखिए और बहुत ही शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।